আগামীকাল আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় ভোট প্রচারে আসছেন অভিষেক ব্যানার্জি। অভিষেকের সভায় উপস্থিত থাকতে বাগডোকরা বিমানবন্দরে নামলেন বলিউড তারকা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। বাগডোকরা বিমানবন্দরে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এদিন সাংসদকে স্বাগত জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। আগামীকাল চা বাগান এলাকা থেকে প্রচার শুরু করার পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে মত সাংসদের। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোট ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেইন রোল পালন করছেন এমনটাই মন্তব্য করেন তিনি। सर थोड़ा बात करेंगे सर, पहले बार आप उत्तर बंगाल में आए हैं, क्या बोलेंगे पहले? मैं पहली बार नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, बागडोगरा में, सिलीगुड़ी में, अलीपुरद्वार में, अगल बगल के क्षेत्रों में, लेकिन हाँ इस बार आया हूँ किसी खास मकसद के लिए। उत्तर बंगाल में आया हूँ क्योंकि मैं अभी वहाँ आसनसोल में था, पश्चिमी बर्धमान में था, वहाँ से मुझे कहा गया है आने के लिए और आज यहाँ आया हूँ। अच्छा लग रहा है, आप लोग से मुलाकात हुई, मेयर साहब ने आके खुद स्वागत किया, वेलकम किया, बहुत खुशी खुशी आया हूँ यहाँ पे। और कल मेरी मुलाकात होगी चाय बागान के लोगों से या अलीपुर द्वार में, जहाँ जा रहा हूँ जिसे आप लोग कैंपेन कह सकते हैं। चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे दिख रहा है और महसूस हो रहा है कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। इतनी डायनेमिक लीडरशिप है यहाँ की, उस लीडरशिप में चुनाव हो रहा है और मैं देख सकता हूँ कि चुनाव में इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और हमारी ममता जी की पार्टी एब्सोल्युटली स्वीप करेगी। चारों तरफ यही अनुमान लेकर, यही भाव लेकर, यही उद्देश्य लेकर और यही प्रार्थना लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। आज तो आईनी घोष को ईडी ने बुलाया था, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं मुद्दों से भी भटकना नहीं चाहूँगा, बुलाया था ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार के कुछ लोग जो हैं या कुछ एजेंसीज जो हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों को, खासकर विपक्ष के बहुत लोगों को परेशान करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी हम कह सकते हैं आज विपक्ष में बहुत एकता है, विपक्ष में बहुत शक्ति है। एक तरफ विपक्ष में जहां हमारी ममता बनर्जी हैं जो गेम चेंजर बनकर साबित हो सकती हैं 2024 में, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के चाणक्य शरद पवार हैं, नेशनल यूथ आइकॉन राहुल गांधी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ऐसे सब बढ़िया बढ़िया लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त इसका अंजाम होगा, परिणाम होगा। लेकिन जो चल रहा है अभी, ये बदले की भावना से या डेस्परेट अटेम्प्ट या कोई सरकार जाने के पहले उसी तरह से जिस तरह दीपक बुझने से पहले बहुत जोर से टिमटिमाता है या भुकाता है, वही हालत कुछ आज हमारे दोस्तों की है, भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार की है, बदले की भावना से आगे आ रही है। लेकिन अब देश की जनता पूरी तरह जान चुकी है, उसको निरस्त कर देगी, इन बातों को आगे नहीं होने देगी। और आज मैं समझता हूं कि जो गलत एजेंसी जो सही कुछ गलत कदम भी उठा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है जैसा ममता जी ने कहा, और वॉशिंग मशीन में उनके अपने लोग जो दागदार हैं वो उसमें डाले जाते हैं, आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, और बाकी जो उनकी तरफ नहीं जाते हैं, जो टिके रहते हैं, जो जमे रहते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग कमाल कर रहे हैं हर चुनाव में, जैसे बंगाल में भी धमाल धमाल भी हुआ और कमाल भी हुआ, ऐसे लोगों के पीछे पड़ के एक डेस्परेट अटेम्प्ट दिखा रही है भारत की सरकार है, हमारे एनडीए के या हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग, ये अच्छा नहीं है। पब्लिक समझ चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। चुनाव कितना शांतिपूर्ण होगा जी? चुनाव कितना शांतिपूर्ण होगा? नहीं शांतिपूर्ण, मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण देख रहा हूँ। मुझे लगता है तो मीडिया के या शायद गोदी मीडिया होगी, मोदी मीडिया हो, उनका हल्ला किया हुआ होता है किसी चुनाव में, मैं तो बिल्कुल शांतिपूर्ण देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो बंगाल में और खासकर आसनसोल में जितनी बार आया हूँ, हमेशा आता हूँ, हर महीने आता हूँ। प्रसंगत
शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी सिन्हार बाबा एक भारतीय चलचित्र अभिनेता और परिणत राजनीतिविद राज्यसभा दुबार सांसद सदस्य छाड़ाओ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रक मंत्रिसभा और जहाज मंत्रक दायित्व छें अटल विहारी वाजपेयी सरकार जदिव परवर्ती देखा जाए ममता बंदोपाध्याय अत्यंत सुसम्पर्क थार दरुण परवर्ती सांसद हार साथ ही राज्य विभिन्न जगह एकाधिक बार प्रचारे एस उत्तरबंगे एबार तार प्रथम प्रचारे अभिषेक बंदोपाध्याय जेहेतु आगामीकाल फालाकाटे आसछेन तार सभाई उपस्थित थाकबेन बोले जाना जाच्छे।